कोरोना कर्फ्यू के दौरान के बाद करीब 1.5 माह बाद बहाल हुई बस सेवा को लेकर हमीरपुर में लोगों ने खुशी जाहिर की है। हमीरपुर बस अड्डे पर लंबे अरसे के बाद चहलकदमी देखी गई और लोगों ने बसों में सफर करके अपने गंतव्य स्थानों तक लोग पहुंचे हैं। कोविड प्रोटोकॉल को अपनाते हुए हमीरपुर जिला में भी HRTC डिपो की 33 रूटों पर निगम की बसें शुरू हुई हैं, तो 3 लंबे रूटों की बसों की सेवा को भी बहाल किया गया है। हमीरपुर बस अड्डे पर अपने गंतव्य स्थानों पर आने जाने के लिए पहुंचे हुए लोगों ने भी सरकार का बस सेवा बहाल करने पर धन्यवाद किया है। स्थानीय युवती आंचल ने बताया कि इतने समय से आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं मिल रही थी और कई लोगों को आवाजाही के लिए बसों की जरूरत थी, इसलिए सरकार का बसों को चलाने के लिए वे आभार जताते हैं। बहुत खुश है कि आज से बसें स्टार्ट हो गई, क्योंकि इतने टाइम तक हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही थी, तो आज जो बसें स्टार्ट कर दी, इसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद सरकार का। और ऐसे बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो उन्होंने हमारे लिए इतनी ज़्यादा सुविधा उपलब्ध करवा दी है। और खासकर सरकारी बसें स्टार्ट किए, प्राइवेट नहीं किए हैं, क्योंकि सरकारी बस में जितनी ज़्यादा सेफ्टी होती है उतनी प्राइवेट बसेज में नहीं है, तो मैं बस इसे थैंक यू बोलना चाहूँगी। वहीं हजरत और रोहित ने बताया कि सरकारी बसों को 50% से सड़कों पर चलाने के निर्णय का वे स्वागत करते हैं और लोगों को भी चाहिए कि वे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बसों में सफर करें। सर, ये सर्विसेज मिल रही हैं, अच्छा है। थोड़ा लोगों को काफ़ी इंतजार था, ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम्स हो रही थी लोगों को, अभी चल गई हैं तो सही है। बस वही है, लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो करते रहना चाहिए। और तो अभी ज्वाला जी जा रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि बस चलने के बाद बहुत आसानी हो गई है। मैं पूना से चला था, तो अभी हमीरपुर से मेरे को मंडी जाना है, तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ बस का, और इतने दिनों के बाद जब खुली है तो अच्छा लग रहा है कि भाई अब आसानी हो गई जाने।